नारा आएगा लब्बा किया रसूल अल्लाह, ये नारा उनको भड़काओ लगा। और मैं हर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ ये वीडियो शेयर करो और खुद वीडियो बनाओ, कुछ देर की खामोशी या फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा जमाना आएगा। और लब्बा किया रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह पर हमेशा बोलते रहना, नारे रिसालत हमेशा बोलते रहना। अगर इसके लिए तुमको जेल जाना पड़ेगा जेल भर देंगे, लेकिन तुम हमको अपना नारों से नहीं रोक पाओगे, नारे रिसालत से नहीं रोक पाओगे, तुम लब्बा किया रसूल अल्लाह से नहीं रोक पाओगे। भड़काओ बाजा में तो भाई टी राजा सिंह क्या करते हैं, वो खुलिया माँ बहन को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। क्या है ये, टेररिस्ट नहीं है ये, आतंकवादी नहीं है रमेश भिदौरी, ये मैडम क्या कह रही है? अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। क्या है ये, ये चाकू रखने बोल रही है, तेज रखने बोल रही है, मुसलमानों को मारने का बात बोल रही है, इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसके पास नहीं जाता है। लेकिन मिश्रा गाली दे रहा है, उसके बाद रमेश भदौरी ने क्या बोले, कुत्ते बी से गाली दिया, फिर मुन्ने फिर कटवा पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठा लो तो घर में जाकर रेप करेंगे, तो उन्होंने क्या किया था? उनके घर में तो एटीएस लोग गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे। नुपुर शर्मा यति नरसिंह सुअर गंदा नाली का कीड़ा, वो क्या नबी के सामने गाली देते हैं? उसके सूरज चौहान के क्या बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है जो देश चलाता है उसको बोलते आईपीएस जिया, इनके पास तो एटीएस नहीं जा रहा, ये आतंकवादी नहीं है। शुक्रवार को इनको प्राइम मिनिस्टर बता दे, ये गंदा नाली का कीड़ा बोलता शुक्रवार को हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहादियों को हम खत्म कर देंगे, किसको बोल रहे? ये आतंकवादी नहीं है, ये भड़का नहीं रहे। सलमान हजारी साहब जब मुसलमानों को बेदार करने का काम करते हैं, अगर मुसलमानों को जगाने का काम करते हैं, मुसलमानों को मोटिवेट करने वाला कोई कौन है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम में कोई गुस्ताई करता है, ये वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, वक्त के जो दज्जाल जो है, जो गोदी मीडिया और दिल में नालायन सीने में नालायन मुबारक रख कर नालायन मुबारक को हिफाजत करने वाला का मर्द मुजाहिद का नाम है सलमान हजारी साहब। और आज अब तुम उसका अरेस्ट करोगे, तुमने हमारा मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया, ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, ज्ञान बाबरी जाने की कदार पे, अब हमारा उसके मेहरौली में 800 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने कबर को तोड़ दिया, तुमने कुरान शरीफ हटाने का हमको मौका नहीं दिया, और आज तुम हमारे आलिम उलमा को बयान करने से रोकोगे। बात याद रख लिए, सलमान हजारी साहब कोई पर्ची लिखने वाला, मूत पीने वाला, गोबर खाने वाला का भक्त नहीं है। सलमान हजारी साहब जो है हमारे प्यारे नबी दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो उनको, गैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करिए, जरूरत पड़ी इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान हजारी साहब के लिए। क्यों? क्योंकि सलमान हजारी साहब जो है ना भैया, सलमान हजारी साहब अपना हुजूर का गुलाम है, आज मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे, आज तुम हमारे मस्जिद लोगे, आए दिन तुम जुल्म करोगे हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। तो इलीगल तरीके से उनको डिटेन करके उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि गलत है, एकदम गलत नजर से देखते हैं, उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। मोटिवेशन स्पीकर है, मगर वो तो भड़काने का काम कर रहे। नहीं देखिए, उनका जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ में 31 जनवरी को एक जुलूस था, जलसा था, जिसके दौरान उन्होंने एक तकरीर किया था, तकरीर में उनका ये नारा था कि लास्ट में एक शेर व शायरी था, जैसे बहुत सारा किसी का कलाम होता है, किसी को शेर व शायरी हम लोग पढ़ते हैं, तो शेर व शायरी में उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था। तो इसके बाद उनके ऊपर आईपीसी लगाया गया, आईपीसी 153B, जो दोनों धर्मों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करने का, और एक पे लगाया 505-2 जो पब्लिक को भड़काने का, ये दो नॉन अवेलेबल सेक्शन में उनके ऊपर FIR किया गया। और उसके बाद गुजरात पुलिस 4 फरवरी को मुंबई आके उनको लेके गई, मुंबई आके ATS एंटी टेरर स्क्वाड ATS आकर उनको गुजरात से मुंबई आने आकर उनको लेके गई गुजरात में वापस। अब मैं आपको बता देता हूँ ATS क्या है, ATS है क्या, अब ATS क्या है? मैं गूगल से पूछता हूँ कि ATS क्या होता है, ATS का मतलब क्या होता है। अब देखिए गूगल ATS का मतलब क्या बोलता है, गूगल ATS का मतलब बोलते हैं ATS इज अ स्पेशल पुलिस फोर्स दैट प्रिवेंट्स टेररिस्ट एक्ट इन द कंट्री, ATS ऑफिसर आर ट्रेन टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ टेररिस्ट अटैक, दिस स्पेशल टीम्स कोलैबोरेट द इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ एंड IB। इसका मतलब है कि कुछ देर की खामोशी है, अभी कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का टाइम हमारा दौर आएगा, इसका मतलब ये वाला बात बोलना एक आतंकवादी हो गया, मतलब दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट,
ये बात बोलो तो आपने जो रॉ आईबी का काम करता, जो पाकिस्तान से यहाँ वहां से जो देश के लिए खतरा होता है, उन लोगों पर जो 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 टीम काम करती है, जो एजेंसी काम करती है, उनको आप उस एटीएस आकर उसको उठा के लेकर गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला बात तुम बोलोगे कि भड़काव भाषण है, तो भाई टी राजा सिंह क्या करता है? वो खुलेआम माँ बहन को गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं सब करना, साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी? वो साध्वी प्रज्ञा बोली थी कि तलवार में धार रखो, छुरी में धार रखो, कपिल मिश्रा गाली दे रहा है। उसके बाद रमेश भदौरिया ने क्या बोले? कुत्ते बी से गाली दिया, फिर मुन्ने फुरकट में पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठा लो तो घर में जाकर रेप करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? तो उनके घर में तो एटीएस ने गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे। उसका नुपुर शर्मा यति नरसिंहानंद सुअर गंदा नाली का कीड़ा, वो क्या नबी के सामने गाली देता है? उसके सुरेश चौहान के क्या बोलता है? आईपीएस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो देश चलाता है, उसको बोलता है आईपीएस जियाद। इनके पास तो एटीएस नहीं जा रहा, ये आतंकवादी नहीं है, इनको तुम आतंकवादी नहीं दिखते। मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, मैं आपको वीडियो सुना, उसके बाद आप बताइए आतंकवादी कौन है। सुनिए, क्या है ये? टेररिस्ट नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है रमेश भदौरिया। ये मैडम क्या कह रही है? अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। क्या है ये? बोल रही हूं। ये चाकू रखने बोल रही है, तेज रखने बोल रही है, मुसलमानों को मारने का बात बोल रही है। इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसके पास नहीं जाता है, लेकिन वहां चले जाता है जहां पे अपना धार्मिक मतलब कोई जलसा कर रहा, जलसा का प्रोग्राम में वो नारा लगाए प्रोग्राम किया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट गलत है, हम इसके खिलाफ। तो इलीगल अरेस्ट कैसे बता रहे हैं? एटीएस ने कार्रवाई की है, उसको आप इलीगल कैसे बता रहे हैं? तो किस चीज का कार्रवाई? वही तो बात है ना कि कार्रवाई जो आपने किया है, आपने कौन सी कार्रवाई किया है? भड़काऊ भाषण के। किस चीज का भड़काऊ भाषण? नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना भड़काऊ भाषण है, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना भड़काऊ भाषण है, किसी का शेर किसी का कलाम कहना भड़काऊ भाषण है। किस चीज कौन सा भड़काऊ भाषण हो गया? भड़काऊ भाषण नहीं है। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, ये परमांश जो बोला था कि हम दो जल समाधि जल में डूब के मर जाएंगे, ये क्या बोल रहा है? देखिए हमने मोदी जी से एक बार कहा था, आप सब कुछ करिए, शुक्रवार के दिन एक घंटे के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहाद में खत्म कर दूंगा। तो बोले शुक्रवार को क्यों भैया, सुहाउल का और दिन क्यों? हमने कहा शुक्रवार के दिन आसानी से जितने जिहादी भारत के हैं वो आसानी से शुक्रवार को हमको प्राइम मिनिस्टर बता दे। ये गंदा नाली का कीड़ा बोलता शुक्रवार को हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहादियों को हम खत्म कर देंगे। किसको बोल रहे? ये आतंकवादी नहीं है, ये भड़का नहीं रहा। सलमान हजारी साहब जब मुसलमानों को बेदार करने का काम करते हैं, अगर मुसलमानों को जगाने का काम करते हैं, मुसलमानों को मोटिवेट करने वाला कोई कौन है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम में कोई गुस्ताई करता है, ये वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, वक्त के जो दज्जाल जो है, जो गोदी मीडिया और दिल में नालायन सीने में नालायन मुबारक रख कर नालायन मुबारक को हिफाजत करने वाला का मर्द मुजाहिद का नाम है सलमान हजारी साहब। और आज तुम उसका अरेस्ट करोगे? तुमने हमारा मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, ज्ञान बाबरी जाने की कदार पे, अब हमारा उसके मेहरौली में 800 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने कबर को तोड़ दिया, तुमने कुरान शरीफ हटाने का हमको मौका नहीं दिया, और आज तुम हमारे आलिम उलमा को बयान करने से रोकोगे, और आज मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, हम खामोश रह जाएंगे। हम इसलिए चुप रहेंगे? नहीं भैया, खुश हमारे घर पर बात नहीं आ रही है। कहा गया वो मुसलमान? तुम अभी भी खामोश रहोगे? तुमसे आए दिन कुरान शरीफ को वहां पर हटाने का मौका नहीं मिला, वहां पर कफन दिख रहा है मेहरौली में, दिल्ली में। आज वो एक कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, तो हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? तो सब जगह तुम्हारा मर्दी मंदिर था, हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए। मैंने कब कहा कि मुसलमान हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने कब कहा ये बात? ये एक बात बताइए ना, संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, सड़क में आओ। सड़क में आने का बाद, सड़क में आने का मतलब ये नहीं कि आप दंगे करो। आप एक बात बताइए, अगर वो भड़काऊ भाषण देते, बताइए कितना मुसलमान सड़क में आके उनके उनके लिए लड़ाई की है? कितना मुसलमान सलमान अजहरी का नाम लेकर आके भड़के? अगर आप बोलते सलमान अजहरी भड़काते तो कितना मुसलमान भड़के, बताइए ना, कितना दंगे किया आप हमको, बताइए ना सलमान अजहरी साहब। मगर बागेश्वर धाम का भविष्यवाणी सत्य साबित हुआ, सलमान अजहरी तो हालत खराब होने वाली है, उठा के तो लेकर चल गए। एक बात बता दे रहे, बागेश्वर धाम का इसके मकबूल चैलेंज करता है, अगर तुम मर दो और अपना बाप का जायज हवाला दो, तो एक काम करो, अपना जो कुत्ता भक्त पाल के रखे हो ना, सिर्फ एक घंटा किसी को बोलना मत, अकेले आना, और सलमान अजहरी से अकेले, ताकि तुम्हारा फौज जो है ना, हिजोड़ा का फौज बहुत बड़ा है, तो अकेला आना, और कैमरा रिकॉर्डिंग होगा,
और उसके बाद उसको लाइव होगा, चैलेंज करे तुमको नंगा नहीं कर दिया सलमान हाजरी साहब, मेरा नाम भी एसके मकबूल ने, मेरा नाम भी तुम सुअर पाल के रखो। काम करेंगे अच्छा, वो वहां पे बैठ कर बोलता है कि बुलडोजर लेकर आओ, बुलडोजर चलवा दो, तो वो भड़का नहीं रहे। और हमारे नबी का शान में कोई गाली देगा, हमारे नबी को गाली देगा, कुरान शरीफ से आयत हटाने का बात करेगा, मुसलमान औरतों को गाली देगा, और उसका डिफेंस में जब सलमान हजरी साहब मुफ्ती साहब है, जब वो डिफेंस में आएंगे तो आप बोलते हैं कि भड़का ने उनके सपोर्ट में खड़े हो, तो भड़का ने एसके मकबूल एंड तक सलमान हजरी के साथ खड़ा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितना लोग है, तुम क्या सोचते हो मुंबई से लेकर उनको गुजरात में लेकर चले जाओ तो कुछ नहीं होगा? गुजरात में भी चाहने वाले हैं। और मैं हर मुसलमान से कहना चाहता हूं, जहां जहां सलमान हजरी साहब को जहां लेके जाना है तुम लेके जाओ, हर मुसलमान सड़क में आएगा। तो आपके ऊपर भी एटीएस कार्रवाई करेगा। और आपने क्या कहा भैया कि उनको पर उनको अब उनके एटीएस उठा के लेंगे, उनका क्या होगा? एक बात याद रख लिए, सलमान हजरी साहब कोई पर्ची लिखने वाला, मूत पीने वाला, गोबर खाने वाला का भक्त नहीं है। सलमान हजरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो उनको, गैप से अल्लाह ताला मदद करेंगे। जरूरत पड़ी है इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान हजरी साहब के लिए। क्यों? क्योंकि सलमान हजरी साहब जो है ना भैया, सलमान हजरी साहब अपना हुजूर का गुलाम है। आज मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे, आज तुम हमारे मस्जिद लोगे, आए दिन तुम जुल्म करोगे, हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। किस लिहाज से तुमने सलमान हजरी साहब को उठाया? आज बताइए तुम, तुम्हारे धर्म गुरु जो है सब रेपिस्ट है, रेप करके जेल में सड़ रहे, और हमारे तो गर्व है सलमान हजरी साहब के ऊपर। भैया नबी का गुलामी करते लब्बा कहते कहते जेल में गए। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सलमान हजरी साहब पहले से ही बोल दिए थे कि हम जो बात कर रहे हैं हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें भी जेल जाना पड़े ना, हुजूर का गुलामी करते करते अपने दीन के लिए अपनी कौम के लिए तो जाइए। और आप एक बात याद रखिए, सलमान हजरी साहब को जब मुंबई में रखा गया ना, तो भीड़ जा नहीं रही थी, पुलिस से संभाला नहीं जा रहा था, तो सलमान हजरी साहब आकर क्या बोले, देखिए इस्लाम और मुसलमान धर्म गुरु क्या होता है आपको बताते हैं। क्या बोले सलमान हजरी साहब? भड़काए और क्या किए, वो तो नारा लगाकर भड़का। आप भड़क गए? कौन भड़का भैया? आप लोग कोई भड़के सलमान हजरी साहब का वीडियो से? आप लोग कोई भड़के? दिखाइए इधर कैमरा, उनका वीडियो से कोई भड़के? आप लोग कोई तो नहीं भड़का? आप लोग भड़क गए बहुत ज्यादा। सलमान हजरी साहब खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से खुद बोले, अगर आप लोग हमें मोहब्बत करते, हमें प्यार करते, तो आप लोग चले जाइए, अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर रखा है वही होगा। और यही होता है, और यही और आपको एक बात बता दे रहे, एक मिनट हम बोल रहे, और यही होता है कि एक धर्म गुरु का पहचान। और बाकी का धर्म गुरु को जब लेके जाया जाता है रेपिस्ट बाबा राम रहीम, तो हेलीकॉप्टर लाने पड़ता भैया को। जब उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब जेल होता है, तो दिल्ली हरियाणा यूपी में आग लग जाता है। तो ये फर्क है, तुम्हारे धर्म गुरु जाते हैं रेप करके, और हमारे धर्म गुरु जाते हैं तुम्हें एक्सपोज करके। आज यतीन नसीरनंद को चैलेंज किया था मर्द मुजाहिद सलमान हजरी साहब कि तुम आओ, लेकिन नहीं आया था ये नापुंसक, नहीं आया था ये लोग, कभी नहीं आते ये लोग, लेकिन दिल्ली में पहुंच गए थे। और आपको बताता हूं, एक तो एक लड़का का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। जो सत्येंद्र सिवाल कौन है? इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉई है। आपको पता है उसको कौन अरेस्ट किया? एंटी टेररिस्ट को अरेस्ट किया फॉर व्हाट? ही शेयरिंग डेटा टू आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी। आतंकवादी कौन है? हु इज टेररिस्ट? आज मैं हाँ, मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। तो आप मतलब मजाक बना दिए यार। अब ताजमहल में जो उर्स होता है 500 कितना उर्स है, बोला हम उर्स होने नहीं देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? ये मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, अब वक्त आ चुका है, तुम सड़क ले आओ। और सड़क माने का मतलब कतई ये नहीं है कि तुम किसी को मारो। और मैं मुसलमानों से और एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो मेरे भाई, किस कौन सा नारा के लिए उनको अंदर किया, कौन सा बात के लिए उनको अंदर किया, भड़काव लगा? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, लब्बा किया रसूलल्लाह, ये नारा उनको भड़काव लगा। और मैं हर मुसलमानों को कहना चाहता हूं, ये वीडियो शेयर करो और खुद वीडियो बनाओ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा जमाना आएगा, और लब्बा किया रसूलल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह पर हमेशा बोलते रहना, नारे रिसालत हमेशा बोलते रहना। अगर इसके लिए तुमको जेल जाना पड़ेगा, जेल भर देंगे, लेकिन तुम हमको अपने नारों से नहीं रोक पाओगे, नारे रिसालत से नहीं रोक पाओगे, तुम लब्बा किया रसूलल्लाह से नहीं रोक पाओगे। आज जय श्री राम बोलोगे तुम के स्कूल
बोल मैं गीता, तुम बोलोगे कि गीता मैंडेटरी है, तुम जय श्री राम बोलते हो तो हम तो नहीं बोलते यार, वो आतंकवादी वाला काम करे वो बंद होना चाहिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, नारे तकबीर अल्लाह ऊपर बोलोगे, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलोगे, सब बोलोगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल डंके का चोट में बोलोगे, लेकिन किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा बोलोगे तुम अपने अल्लाह के लिए बोल रहे हो, ऐसा बोलोगे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल रहे हो, चिढ़ाने के लिए मत बोलोगे, कोई मंदिर के बाहर जगह मत बोलोगे, कोई हिंदू को देखकर मत बोलोगे, लेकिन डरोगे मत, डरोगे मत, डंके के चोट में बात करोगे। और हमेशा जो ये जो डिफेंस करते हो ना, कोई चीज जब तुम जाओगे ना, तो जब वो पंच बैक करता है ना, बुलेट का किक देखा आपने, बुलेट का किक धीरे धीरे मारते वापस करता है ना, तो पैर टूट जाता है। तो मुसलमानों को छेड़ो मत मेरा भाई, हम बहुत शांत है यार, बहुत प्यार से है, लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर चले गया। आज ज्ञान वर्धन में आज का ऑर्डर आया है, ASI बोले कि पूरा गया, कुछ दिन पहले तो वहां पे पूजा शुरू कर दिया था, और आज ऑर्डर आया कि वहां पे पूरा सर्वे होगा। क्या चल रहा है मेरा भाई, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, अब तुमको बोलने से भी रोका जा रहे हैं।